तो दोस्तों आज हम चावल के आटे का फरा बनाने जा रहे हैं। हमने इधर उड़द दाल ले ली है 2 कटोरी। हमने इसको 4 से 5 घंटे भिगो के अच्छे से धुल के साफ कर लिया था। चना दाल भी हम 4 से 5 घंटा पहले भिगा के इसको धुल के अच्छे से साफ कर लिए हैं। दोनों हमें साथ साथ भिगा देना था, साथ साथ साफ कर लिए। अब हम सबसे पहले मिक्सर जार में चने दाल को पीसेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, इसी तरह हमने दोनों दाल को पीस के रख लिया है बिना पानी को। पानी एकदम नहीं डालेंगे। अब इसमें डाल रहे हैं मसाला, धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा से हींग डालेंगे। हींग डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। धनिया पत्ती डाल देंगे। अगर आपको हल्दी पसंद है तो डालना, नहीं तो नहीं डालना है। हमने हल्दी नहीं डाला है। अभी हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे अच्छे से। हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखना, बहुत टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना कैसे लगे। अभी देखिए हमने सारा इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको हम साइड में रख देंगे मिक्स करके। इधर हमने चावल का आटा ले लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूंथ लेंगे। इसे हम जैसे गेहूं का आटा लगाते हैं, सेम हमें चावल का आटा वैसे लगाना है। इसमें कुछ भी नहीं डालना है। ये बहुत जल्दी लग के अच्छे से तैयार हो जाता है। देखिए अभी हमने चावल का आटा भी लगा के तैयार कर दिया। अब हम चलिए बनाना बताते हैं। इधर हमने चावल का आटा ले लिया है थोड़ा से, इसका हम छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। आप जिस हिसाब से टिक्की बनाना चाहते हो, हाथ में थोड़ा से सूखा आटा लगाना है। इसको हम हाथ से ऐसे बनाते जाएंगे, बेलन से नहीं बनेगा ये, क्योंकि बेलन से टूट जाता है। अभी देखिए हाथ पे रख के इसको हमें ऐसे बनाते रहना है। ये बहुत आसानी से आराम से बन जाता है। सूखा आटा लगाते रहना है और इसको हम ऐसे हाथ की सहायता से बनाते रहेंगे। अभी देखिए हमें ऐसे सारी टिक्की बना के रख ली है। अब हमने जो दाल का पेस्ट में मसाला मिला के रखा था, अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक नहीं डालना है, नमक डालने से क्या है, दाल पतली हो जाएगी। इसीलिए जब हम बनाएंगे हमें तभी नमक डालना है। थोड़ी सी दाल हम एक साइड में निकाल लिए हैं प्लेट में, देखिए अब उसमें हम नमक डालेंगे। हमें थोड़ा थोड़ी दाल निकाल के नमक मिला मिला के बनाना है, एक ही साथ पूरे दाल में नमक नहीं डालना है। अभी देखिए इसको हम हाथ से मिक्स कर देंगे अच्छे से। एक टिक्की लेंगे जो हमने चावल के आटे की बनाई है, इसमें दाल को हम बीच में रखेंगे और हाथ से देखिए बीच में हल्का से दबा देंगे। बस ऐसे ही बनाएंगे हम सारा। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता। आराम से ये चावल के आटे में दाल हम भर सकते हैं। ये हमने इडली वाला स्टैंड लिया है, हम उसी में बना रहे हैं। इसमें हमने तेल और कुछ भी नहीं लगाया है, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। हम एक खाने में 2 या 3 रख सकते हैं, जिस हिसाब से छोटा बड़ा बना पाए। देखिए हमने 3-3 रखा है एक खाने में। अब हमने इसमें पानी डाल दिया है गर्म होने के लिए। देखिए पानी गर्म हो गया है। अब हम सबसे पहले इसमें दोनों स्टैंड को लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। जो बाहर है उसको थोड़ा अंदर कर देना है। ढक्कन लगाने के बाद इसको हम 5 से 6 मिनट तक भाप लगाएंगे। अभी 5 से 6 मिनट हो गया, हम चाकू से चेक कर लिए, देखिए चिपक नहीं रहा है, तो समझ लो हो गया है। हमने दोनों अच्छे से बाहर निकाल के स्टैंड को रख दिया है। अब इसको हम हाथ से बाहर निकाल लेंगे, देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है। ऐसे हमें सारा निकाल के रख देना है, थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए। अभी देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया 2 चम्मच, जीरा, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची अच्छे से हो जाए तब उसमें हम ये फरा को डाल देंगे। अगर आपको छोटा खाना पसंद है इसमें, तो इसको आप 2 टुकड़ा करके काट के भी भून सकते हैं। हमने सीधा इसको भूना है। देखिए अभी हमने इसको 2 से 3 मिनट चलाया अच्छे से। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे थोड़ा से। धनिया पत्ती डालने से क्या है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी इसमें थोड़ा से नमक भी डाल देना है। नमक डालने से क्या है, अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अभी देखिए बनके तैयार हो गया है। आप लोग को वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। आप इसको चटनी के साथ, चाय के साथ आराम से खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत